तो आज मैं आपको अपने बालकनी गार्डन को दिखाता हूँ, इसको डेकोरेशन का एक आइडिया भी आपको मिलेगा। तो मैंने अपने बालकनी गार्डन को कैसे डेकोर किया है ये देखिए। यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे लगाया है इस तरह से एक्वेरियम, जहाँ पे बहुत सारी फिशेज को मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरह से एक्वेरियम को यहाँ पे आप देखिए कॉर्नर में लगाया है, और इधर कुछ प्लांट्स है, मनी प्लांट्स है। उसके बाद एक और डेकोर, ये DIY है, मैंने खुद से बनाया है। इसको ऑनलाइन मंगाया है, इसको भी ऑनलाइन मंगाया है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पूरा लकड़ी है, मेरा एक पौधा सूख गया था उसी को मैंने इस तरह से कराया है। इस पर बहुत सारे बर्ड्स को मैंने जगह दिया है, तो इस तरह से इसको पूरा मैंने बनाया, देख सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत सा एक डिसेंट सा लुक आता है इससे, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं ओवरव्यू आपको दिखाऊं, तो इस तरह से आपको दिखेगा, जहाँ पे मैंने बहुत सारे सिरामिक कंटेनर्स में का यूज किया हुआ है। यहाँ मेरा मनी प्लांट है, ये ग्रीन वाला वैरायटी है, और ये गोल्डन मनी प्लांट का वैरायटी है। तो इसको भी मैं ग्रो कर रहा हूँ धीरे धीरे, ये भी इस तरह से बूसी हो जाएगा जितना ये दिख रहा है आपको। उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टॉयज वगैरह भी है। तो सारे मैक्सिमम सिरामिक पॉट का यूज किया है, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स भी लगाए हैं। बेसिकली ये नाइट व्यू है, रात के टाइम पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये मेरा एरिका पाम काफ़ी घना है, इधर देखे तो ये रबर प्लांट है, यहाँ पे स्नेक प्लांट, और इधर फिर से एक छोटा सा एरिका पाम है। तो इस तरह से ओवरऑल मैंने अपने बालकनी गार्डन को सजाया है, थोड़ा लाइट रखा है। पहले वाला ब्लॉग वगैरह मेरा देखो, तो यहाँ मैंने ग्रीन मैट लगाया जिसको मैं अभी हटाया हूँ थोड़ा लाइट बनाने के लिए। और इधर भी कुछ छोटे प्लांट्स वगैरह लगाया हूँ, यहाँ तुलसी जी का पौधा है, इधर शमी जी का पौधा वास्तु के अनुसार, उधर कुछ ऐसे ही और प्लांट्स हैंगिंग में पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल ये मेरा बालकनी गार्डन का व्यू है। सामने इधर ही हम लोग बैठते हैं, ये पूरा एरिया, और सामने पूरा ओपन है, काफ़ी हवा वगैरह आता है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो इधर से रोशनी भी आती है। और अब मतलब इसमें आज जो भी प्लांट मैंने लगाया, काफ़ी लेस केयर प्लांट है। बस इस तरह के पौधों को थोड़ा सा भूसी बनाने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो भी पौधे मैंने लगाए, काफ़ी कम केयर के साथ चल जाता है, थोड़ी सी धूप भी मिल जाती है पौधों को। तो आप भी पौधों को लगाएं, बालकनी गार्डन को सजाइए। बाकी एक एक करके मैंने बहुत सारे पौधों को कैसे केयर करना है, कैसे आप फर्टिलाइज़र का यूज करना है, कौन से फर्टिलाइज़र का आप यूज करना बेहतर होगा, ये सारा मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ इस तरह का गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।